देवथर में पिछले दिनों 655 ट्रांसफार्मर खराब हुए, 563 बदले गए। इसका मतलब 1.5 साल में 92 गांव अंधेरे में डूबे रहे। आरटीआई से एक चौंकाने वाली मिली जानकारी, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार त्योंथर बिजली डिवीजन में पिछले 1.5 साल में केवल 655 ट्रांसफार्मर खराब हुए। इसका मतलब वो ट्रांसफार्मर जल गए। बदले गए ट्रांसफार्मर 563। सीधा सा अर्थ है, 92 ग्रामों के लोगों ने बिजली विभाग के द्वारा लगभग 1.5 साल बिजली नहीं प्राप्त की। इसका सीधा सा अर्थ है, वर्तमान शिवराज सरकार के राज में 92 गांव में बिजली पिछले 1.5 साल से नहीं। ये जानकारी आरटीआई में निकल कर सामने आई है। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने इस मामले को लेकर एक आरटीआई लगाई थी, जिसके लिए ये आंकड़े स्वयं बिजली विभाग के द्वारा दिए गए हैं। इस आंकड़े से साफ तौर से नज़र आता है 24 घंटे अटल बिजली सप्लाई किए जाने वाली योजना का हाल क्या है। इस बात से आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं, 655 ट्रांसफार्मर जले, 563 बदले गए। सीधा सा अर्थ है, 92 ग्राम के लोगों को बिजली विभाग ने 1.5 साल अंधेरे में रखा। सूचना के अधिकार कानून की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा है, जिस कानून के बनने के बाद केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार इसे कमजोर भी करने का प्रयास करती हैं। सूचना के अधिकार के तहत पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कर पाती है, लेकिन जितनी भी जानकारी उपलब्ध कराई है उसमें सीधा सा अर्थ निकल कर ये सामने आता है, 92 गांव में किसी भी तरीके से बिजली सप्लाई नहीं की गई। ये आंकड़े त्योथर में 1 जुलाई 2021 से 12 जनवरी 2023 के बीच में रहे हैं। पूरे मामले लेकर हमने शिवानंद से बात की, आइए आपको सुनाते हैं आरटीआई में मिली जानकारी के बारे में उन्होंने क्या कुछ बताया हमको। रीवा जिले के त्योथर बिजली डिवीजन के अंतर्गत हमने एक आरटीआई भी लगाई थी कुछ माह पहले, और प्रथम अपील के बाद उसका कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई है, निराकरण हुआ है और कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आए हैं। हमने कई जानकारियों में से एक जानकारी यह भी चाही थी कि त्योथर बिजली डिवीजन के अंतर्गत जो तत्कालीन कार्यपालन अभियंता थे श्री सुशील यादव, उनके कार्यकाल के दौरान डिवीजन के अंदर जो विद्युत वितरण केंद्र और ग्राम हैं इनमें कितने ट्रांसफार्मर मतलब जले फेल हुए और कितने बदले गए, तो 1 जुलाई 2021 से लेकर के 12 जनवरी 2023 के बीच में उनके कार्यकाल के दौरान जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये बताया गया है कि 655 ट्रांसफार्मर जले हैं, फेल हुए हैं और 563 उसके एवज में बदले गए हैं। मतलब दोनों में अंतर किया जाए तो स्पष्ट तौर पर यह बात समझ में आती है कि लगभग 92 ट्रांसफार्मर, लगभग नहीं एग्जैक्टली 92 ट्रांसफार्मर जो हैं वो नहीं बदले गए। मतलब इस लगभग 1.5 साल के अंतराल में 92 टोले या ग्रामों को आप मान सकते हैं जहाँ पर अंधेरा छाया रहा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो शासन की मंशा है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो मंशा है, जो अटल बिजली की बात करते हैं और किसानों की बिजली सप्लाई की बात करते हैं, उसके मुकाबले मतलब यदि 92 ग्रामों में आपने अंधेरा रखा पूरे 1.5 साल के दौरान जो आरटीआई से प्राप्त हुआ है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई अपने से नहीं बताई जा रही है, आरटीआई से प्राप्त जानकारी है जो मैं पीडीएफ फाइल के तौर पर रखा हुआ हूँ, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो शासन की जो मंशा है, सरकारों की पार्टियों की जो मंशा है किसानों को ग्रामीणों को जिस प्रकार से एक तरह से लॉलीपॉप पकड़ाने की जो बात है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ इस प्रकार के हैं। और फिर जब ट्रांसफार्मर जलते हैं तो विभिन्न माध्यमों से दबाव लगा करके ग्रामीणों और किसानों के ऊपर कि आपका बिजली बिल बकाया है, फलाना है, ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा, तो किस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है वो एक अलग स्थिति है। जबकि ये भी सच्चाई है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी ज़्यादा बिजली सप्लाई की जाती है, कितने अरबों खरबों की
सब्सिडी उनको दी जाती है क्योंकि वो चंदा देते हैं राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन चूंकि किसान चंदा नहीं देता है, ग्रामीण चंदा नहीं देते हैं, बल्कि सरकार को थोड़ा बहुत इनको कुछ सब्सिडी के तौर पर माइनर देनी पड़ती है फ्री के नाम पर, जिस तरह से ये करते हैं हल्का फुल्का, पर इतना ज़्यादा इनका शोषण होता है।